दोस्तों, गेमिंग स्मार्टफोन में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाने वाला चीज़ है या फिर उसका जो यूएसपी है वो है उसका प्रोसेसर और उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट। बट 10,000 में या 20,000 में आपको उतने अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन नहीं मिलते हैं जिससे कि आप अच्छी तरीके से गेमिंग को इन्जॉय कर सकें। बट अगर आपका बजट 20,000 के अराउंड है तो फिर बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इस बजट से ही शुरू होता है गेमिंग स्मार्टफोन, जिसमें आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल जाएगा, आपको कैमरा का क्वालिटी भी अच्छा मिल जाएगा, स्क्रीन भी बेटर मिल जाएगा, और हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। बट हाँ, कहीं ना कहीं गेमिंग स्मार्टफोन में आपको कैमरा उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है जितना कि रेगुलर स्मार्टफोन में होता है। बट इस लिस्ट में मैंने कुछ ऐसे स्मार्टफोन शामिल किए हैं जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरे का भी क्वालिटी बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो अगर आपका बजट 20,000 के अराउंड है और आप चाहते हैं अपने लिए एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए, देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमने जितने भी स्मार्टफोन शामिल किए हुए हैं सारे स्मार्टफोन गेमिंग के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, कुछ का प्राइस थोड़ा कम है, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। सारे में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट के नंबर 5th स्मार्टफोन से, और ये आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9SE। SE यानी कि स्पीड एडिशन। ये स्मार्टफोन खास करके उन लोगों के लिए है जिनका बजट 20,000 से थोड़ा सा कम बट 15,000 से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको 17-18,000 रुपये में मिल जाएगा और प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन फीचर्स इसके स्क्रीन से। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विद 144Hz रिफ्रेश रेट। स्क्रीन का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये LCD डिस्प्ले है, बट साथ ही इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये जितने भी सारे स्मार्टफोन इस लिस्ट में हैं ये सारे के सारे गेमिंग ओरिएंटेड यानी कि गेमिंग कंसंट्रेटेड स्मार्टफोन हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। तो इस स्मार्टफोन आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका AnTuTu स्कोर 5.5 लाख के अराउंड आता है। सो प्रोसेसर भी इसमें आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, साथ ही इसमें आपको LPDDR4X का RAM एंड UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा है 48MP का, 2MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और ये कैमरा जो है 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैपेबल है। और फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इससे आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेयर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बट कैमरे का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है जितना कि ये प्राइस ले रहा है, उसके हिसाब से कैमरा उतना अच्छा नहीं दिया गया है टू बी ऑनेस्ट। नाउ द बैटरी। तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है विद 30W फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इस स्मार्टफोन का जो 6128GB वाला वेरिएंट आता है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 18,000 रुपीज। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ऑफर लगा के और भी कम हो जाएगा इसका प्राइस, तो अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, दैट मींस द थिंग्स व्हिच आई लाइक एंड द थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक इन दिस स्मार्टफोन। सो द फर्स्ट थिंग इज द डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्वालिटी मुझे अच्छा लगा है उस लिहाज से कि इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगा है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। एंड द सेकंड थिंग इज द प्रोसेसर। नो डाउट प्रोसेसर इस स्मार्टफोन का मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट द थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक इन द स्मार्टफोन इज द कैमरा। कैमरा क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। द सेकंड थिंग इज द मोनो स्पीकर। मोनो स्पीकर दिया गया है 20,000 के प्राइस रेंज में। मुझे लगता है जितने भी स्मार्टफोन आते हैं ना, ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, बट यहाँ आपको मोनो स्पीकर दिया गया है। एंड द थर्ड थिंग इज द चार्जर। जब आप गेमिंग स्मार्टफोन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए ताकि स्मार्टफोन बहुत जल्दी चार्ज हो सके और गेमिंग के लिए तैयार हो सके। सो चार्जर यहाँ पर मुझे कम लगा है। बाकी अगर आपको चाहिए एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और कम प्राइस में हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस स्मार्टफोन। नाउ द नेक्स्ट स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज फ्रॉम OnePlus एंड इट्स OnePlus Nord CE2 5G। इस स्मार्टफोन का नाम बहुत लंबा है बट नाम के जैसा इसका काम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक OnePlus ब्रांडिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए। इस स्मार्टफोन में टू बी ऑनेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांडिंग के अलावा और कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी मैंने इस स्मार्टफोन को इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्पेसिफिक ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए होता है कम प्राइस रेंज में भी। सो इसलिए मैंने इस स्मार्टफोन को इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है। हाउएवर इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है बट हाँ, ठीक ठाक है, प्राइस के अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन फीचर्स विद द स्क्रीन। सो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है
विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा इसमें आपको 5GB का वर्चुअल रैम देखने को मिल जाता है, और जो कि एक मार्केटिंग गिमिक है, और ये वैसा काम नहीं करता है जैसा कि एक्चुअल रैम काम करता है आपके स्मार्टफोन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो यहाँ पर आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और दोनों ही कैमरा इसका, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे वो बैक कैमरा हो, खराब नहीं बहुत ही घटिया है, बहुत खराब कैमरा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने 10-12 हज़ार का रियलमी का स्मार्टफोन खरीदा है, और वैसा इसका कैमरे का परफॉर्मेंस है। तो कैमरा का परफॉर्मेंस मुझे बहुत खराब लगा है स्मार्टफोन का। नाउ द बैटरी, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ 33 वाट फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इसका जो 6128 GB वाला वेरिएंट आता है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 19,999 rupees। नाउ द प्रोज एंड कॉन्स, दैट मीन्स द थिंग्स विच आई लाइक एंड द थिंग्स विच आई डोंट लाइक। सो द फर्स्ट थिंग इज द प्रोसेसर, और सिर्फ प्रोसेसर ही मुझे थोड़ा अच्छा लगा स्मार्टफोन का, उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ठीक ठाक लगा है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। Now the things which I don't like in this smartphone, so the first one is the camera, second one is the display, and the third one is the design. ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन की मुझे अच्छी नहीं लगी है। However, if you like a smartphone with OnePlus branding, then definitely you can go with this smartphone. Now the next smartphone in this list is Redmi Note 11 Pro Plus 5G. जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि Redmi के जो स्मार्टफोन होते हैं ना, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छा देखने को मिल जाती है, और Redmi जो है ना ऑल टुगेदर एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करती है, जिसमें सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाती है, चाहे वो कैमरा हो, प्रोसेसर हो, उसका स्क्रीन हो, चाहे वो बैटरी हो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाती है। सो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन फीचर्स विद स्क्रीन। सो इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही इसमें आपको कोर्निंग के गोल्डा ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। नाउ द प्रोसेसर, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर दिया गया है, IP53 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी दिया गया है। दैट मीन्स स्मार्टफोन जो है हर लिहाज से काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इसके दोनों ही कैमरा, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे वो रियर कैमरा, दोनों से ही आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसके नेटिव कैमरा एप्लीकेशन से। नाउ द बैटरी, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ 67 वाट फास्ट चार्जर। और गेमिंग के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं ना, उसमें बड़े चार्जर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गेम खेलते वक्त स्मार्टफोन का बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, और चार्ज होने के लिए, बहुत क्विक चार्ज होने के लिए अच्छा चार्जर बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस चार्जर विल रियली हेल्प यू इन गेमिंग। नाउ द प्राइसिंग, इस स्मार्टफोन का जो 6128 GB वाला वेरियंट आता है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 20,999 rupees। बट अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको 2,000 rupees का डिस्काउंट मिल जाएगा HDFC के क्रेडिट कार्ड। नाउ द प्रोज एंड कॉन्स, दैट मीन्स द थिंग्स विच आई लाइक एंड द थिंग्स विच आई डोंट लाइक। सो द फर्स्ट वन इज द डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ कोर्निंग गोल्डा ग्लास 5 प्रोटेक्शन, बहुत अच्छा दिया गया है। द सेकेंड थिंग इज द कैमरा एंड द थर्ड वन इज द प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। बट द थिंग्स विच आई डोंट लाइक इन दिस स्मार्टफोन, कि ये स्मार्टफोन 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है इसका नेटिव कैमरा से। बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगी है। इफ़ यू नीड अ स्मार्टफोन विच इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस स्मार्टफोन। नाउ द नेक्स्ट स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज iQOO G6 5G। दोस्तों जब से Vivo ने अपने iQOO ब्रांड को लॉन्च किया है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जितने भी गेमिंग स्मार्टफोन है ना, सारे के सारे स्मार्टफोन को बिल्कुल किल करके रख दिया है, क्योंकि कम दाम में ये इतने अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि इनके सामने Redmi जैसे ब्रांड भी टिक नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि हमने इस स्मार्टफोन को इस लिस्ट के नंबर 2 पोजिशन पे रखा हुआ है। सो इस स्मार्टफोन आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD के पास टच डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट। साथ ही इसमें आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही LPDDR5 का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज। सो बाकी सारे स्मार्टफोन जो मैंने बताए उससे ज़्यादा आपको अच्छा रीड एंड राइट मेमोरी स्पीड देखने को मिलने वाला है,
प्रोसेसर ज्यादा अच्छा दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड में। दैट इज अमेजिंग। सच में इस प्राइस रेंज में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम पर सेकंड में बहुत ही अमेजिंग है। सेल्फी कैमरा देखा जाए तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, और इससे आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड में। नाउ द बैटरी, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है विद 44 वाट फास्ट चार्जर। नाउ द प्राइसिंग, इस स्मार्टफोन का जो 6128GB वाला वेरियंट आता है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 23,999 रुपीज़। हाँ, प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा Amazon में 3000 का, तो फाइनल प्राइस नियर अबाउट 21,000 का हो जाएगा। सो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नाउ द प्रोज एंड कॉन, तो सबसे पहली बात, इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर मुझे बहुत अच्छा लगा है, सेकंड वन इज़ द कैमरा, एंड द थर्ड वन इज़ द चार्जर। But the things which I don't like in this smartphone is the display. Display super AMOLED या AMOLED नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। So if you are the person who do not bother about the display, then definitely you can go with this smartphone. अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर वन स्मार्टफोन की, तो ये है Realme की तरफ से आने वाला Realme 9 Pro Plus 5G। इस स्मार्टफोन में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छा देखने को मिल जाएंगी, चाहे इसका प्रोसेसर हो, इसका कैमरा हो, इसका डिज़ाइन हो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की स्क्रीन से। सो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही इसमें आपको कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। नाउ द प्रोसेसर, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर लेता है। इसका AnTuTu स्कोर भी बहुत अच्छा है, 5 लाख के अराउंड है। सो प्रोसेसर ओवरऑल बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इसका रियर कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो, अल्ट्रा वाइड, सारे कैमरे में जो है ना सोनी के सेंसर यूज किए गए हैं। और नो डाउट सोनी के जो सेंसर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और इस स्मार्टफोन में सोनी के जितने भी सेंसर यूज किए हैं वो फ्लैक्सिबल लेवल के सेंसर यूज किए गए हैं, तो कैमरे क्वालिटीज में आपको नो डाउट बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बैटरी की बात करें तो आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है विद 65W फास्ट चार्जर। बैटरी थोड़ा सा कम मुझे लगा है गेमिंग के लिहाज से, बट चार्जिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, 65W का चार्जर भी दिया गया है, तो बहुत जल्द आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो इस स्मार्टफोन का जो 6128GB वाला वेरिएंट आता है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 23,999 रुपीज़, बट इसमें भी आपको ऑफर मिल जाएगा, 3000 का डिस्काउंट हो जाएगा HDFC का क्रेडिट कार्ड से। सो अगर आप चाहते हैं एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन खरीदना जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। नाउ द प्रोज एंड कॉन, तो इस स्मार्टफोन का कैमरा मुझे आउटस्टैंडिंग लगा है, बहुत अच्छा है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द प्रोसेसर, जिससे आप हेवी गेम बहुत आसानी से खेल सकते हैं, बहुत अच्छा दिया गया है प्रोसेसर इसका। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000। हो सकता है आपके हिसाब से लिस्ट कुछ और हो सकता है हमारे हिसाब से जो नंबर 1 पे स्मार्टफोन है आपके हिसाब से नंबर 4 या नंबर 3 पे हो, या फिर आपके हिसाब से जो नंबर 4 पे है वो हमारे हिसाब से नंबर 3 या नंबर 1 पे हो सकता है। सो अपने हिसाब से आप खुद से चूज़ कर सकते हैं, सारे स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं इस लिस्ट में, बट हाँ किसी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, किसी का कम है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्मार्टफोन चूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन।